और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अब से कुछ ही देर में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बताएं कुछ ही देर में राज्यपाल का अभिभाषण चालू होगा। विधानसभा पहुंचे हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम कमलनाथ और स्पीकर ने अगवानी की है, स्वागत किया है उनका। आपको बता दें कुछ ही देर में राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जिसमें विधानसभा पहुंच चुके हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम कमलनाथ और स्पीकर ने अगवानी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की। बस कुछ ही देर में राज्यपाल आनंदीबेन का अभिभाषण होगा। विधानसभा पहुंच चुके हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम और स्पीकर ने अगवानी की। और इस पर और विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता संदीप सेन। संदीप, राज्यपाल आनंदीबेन विधानसभा पहुंच चुकी हैं और वहीं सीएम और स्पीकर ने अगवानी की, कुछ कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, देखिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानसभा पहुंच चुकी है और उसी के साथ सदन की कार्रवाई एक बार फिर जो है वो शुरू हो चुकी है। राज्यपाल आज अभिभाषण में अपने जो कहा, जो कांग्रेस का वचन पत्र है उसका विजन जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण में दिखाई दे सकता है। जिस तरह के वादे करके कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है, लगभग उसी का विजन जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण में नजर आने वाला है। चाहे वो किसानों की बात हो, बेरोजगारी की बात हो या फिर उद्योगों की बात हो, जिन नीतियों को लेकर कांग्रेस सरकार आगे बढ़ने वाली है उसका खाका जो है या उसका विजन राज्यपाल के अभिभाषण में साफ तौर पर नजर आएगा। और राज्यपाल का अभिभाषण जो है वो शुरू हो चुका है। जी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानसभा पहुंच चुके हैं, वहीं कुछ ही देर में उनका अभिभाषण चालू होगा। वहीं सीएम और स्पीकर ने अगवानी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की। बता दें विधानसभा पहुंच चुके हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उनका अभिभाषण शुरू हो चुका है। वहीं आपको बता दें सीएम और स्पीकर ने अगवानी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की और इस वक्त उनका अभिभाषण शुरू हो चुका है। आपको बता दें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानसभा पहुंच चुके हैं और वहां उनका अभिभाषण शुरू हो चुका है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिवादन किया सीएम कमलनाथ और स्पीकर ने। वहीं इस वक्त राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण शुरू हो चुका है। विधानसभा पहुंच चुके हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम स्पीकर ने अगवानी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की। विपक्ष ने आज पूरे दिन का वॉकआउट किया, वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा के इस दिन को काले दिन के रूप में बताया। और वहीं अब विधानसभा पहुंच चुके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जिनका अभिभाषण शुरू हो चुका है। सीएम कमलनाथ और स्पीकर ने अगवानी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की।
आपको बता दें राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हो चुका है, विधानसभा पहुंच चुकी है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जहां पर सीएम कमलनाथ और स्पीकर ने उनकी अगवानी की। वहीं विपक्ष ने आज पूरे दिन का वॉकआउट किया, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस दिन को काले दिन के रूप में बताया विधानसभा के। वहीं पर कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया कि उन्होंने कहा कि 5 दिन की कमलनाथ सरकार में अहंकार आ चुका है, अहंकार रावण का भी नहीं टिका तो इनका क्या टिकेगा, ये कहना है कैलाश विजयवर्गीय का। आपको बता दें आज विधानसभा का शीतकालीन सत्र है, वहीं विपक्ष ने आज सरकार का संकल्प है कि अगले 5 वर्ष में सिंचाई क्षमता को 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाएं, अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने को प्राथमिकता दी जाएगी, सिंचाई जल की बूंद बूंद के उपयोग को माइक्रो सिंचाई पद्धति से सुनिश्चित किया जाएगा, नर्मदा परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जाएगा, प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, शिक्षा के लिए अधोसंरचना गुणवत्ता एवं रिटेंशन पर प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा, शिक्षा संस्थाओं में पेयजल की उपलब्धता और विद्युतीकरण की योजना शुरू की जाएगी। मेरी सरकार स्वस्थ प्रदेश मध्य प्रदेश की अवधारणा पर काम करेगी, जन जन तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सुधारात्मक निर्णय लेगी, मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करने के प्रयासों को सघन किया जाएगा, सभी स्तर की स्वास्थ्य संस्थाओं के साथ चिकित्सा महाविद्यालयों में भी समुचित अधोसंरचना और उपचार व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी, अस्पतालों के प्रबंधन और संचालन को बेहतर बनाने के लिए गुणात्मक सुधार किया जाएगा, बच्चों के पोषण स्तर में सुधार और कुपोषण को कम करना सरकार की प्राथमिकता रहेगी, किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य के लिए विभिन्न कदम उठाने के साथ सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, मेरी सरकार महिला सशक्तिकरण को सच्चे अर्थों में सार्थक करेगी, महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर नियंत्रण एवं त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करेगी, मेरी सरकार अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है, आदिवासी कला संस्कृति संरक्षण और संवर्धन को व्यापक स्वरूप दिया जाएगा, आदि जाति मंत्रणा परिषद को प्रभावी बनाया जाएगा, विशेष पिछड़ी जनजातियों के सर्वेक्षण कार्य किए जाएंगे, सरकार वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अब तक जिन कब्जाधारियों को पट्टा नहीं मिला है उनको पट्टा दिलवाएगी और भूमि को कृषि योग्य बनाएगी, अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव कर उन्हें स्वावलंबी सुशिक्षित बनाने के प्रयास किए जाएंगे, इसके लिए छात्रवृत्ति छात्रावास और अन्य व्यवस्थाओं को व्यापक किया जाएगा, मेरी सरकार पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण के कार्यों को गति देने का काम करेगी, सरकार की कोशिश रहेगी कि इन वर्गों के विकास और कल्याण के ऐसे काम किए जाए कि वे मुख्य धारा में शामिल होकर प्रदेश को ऊर्जावान बनाए, मेरी सरकार गरीबों निराश्रितों विकलांगों और कल्याणी महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा को व्यापक रूप देगी, गरीबों और श्रमिकों के लिए नया सवेरा कार्यक्रम लागू किया जाएगा, मेरी सरकार प्रदेश के तेजी से औद्योगिकरण के लिए प्रतिबद्ध है, औद्योगिक विकास के साथ प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दिलाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मेरी सरकार द्वारा औद्योगिक नीति में बदलाव किया जा चुका है, आवश्यकता अनुसार युवाओं को रोजगार उन्मुखी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के संस्कार किए जाएंगे जिससे प्रदेश औद्योगिक रूप से विकसित प्रदेश बनने की ओर अग्रसर हो, मेरी सरकार गांव के विकास और ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए संकल्पित होकर काम करेगी, पेयजल बिजली सड़क स्वच्छता और शिक्षा स्वास्थ्य जैसी व्यवस्थाओं का गांव गांव तक विस्तार किया जाएगा, गांव के सुनियोजित विकास की ग्राम पर कार्य योजनाएं बनाकर उन्हें मूर्त रूप दिया जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ये लक्ष्य की प्राप्ति राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का सघन रूप से विस्तार मनरेगा के अंतर्गत सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध करवाने एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में संपर्क विहीन वसाहतों को जोड़ने का काम किया जाएगा, नगरों का सुनियोजित विकास और वहां आधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता आज की जरूरत है,
मेरी सरकार इस दिशा में सुविचारित और कल्पनाशील कार्यक्रमों को अमली जामा पहुंचाएगी। शहरी विकास को सरकार की प्राथमिकता है। बढ़ते शहरीकरण को सुव्यवस्थित करना पानी आवास परिवहन संचार साधन स्वच्छता का क्षेत्र में रहे। मेरी सरकार ने नए अध्यात्म विभाग के गठन की शुरुआत की। भारत के आध्यात्मिक विरासत एवं दर्शन प्रणाली एक वैश्विक धरोहर। इस धरोहर को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश प्रदेश की बहुलतावादी संस्कृति के विकास को नए आयाम देने का काम यह विभाग करेगा। माँ नर्मदा में अवैध प्रदूषण की रोकथाम सख्ती से की जाएगी। आगामी 5 वर्षों में नर्मदा परिक्रमा पर अधोसंरचना का निर्माण तथा आवश्यकता अनुसार विश्राम स्थल बनाए जाएंगे। मेरी सरकार प्रदेश में खेल कूद को बढ़ावा, खिलाड़ियों को आवश्यक प्रशिक्षण और प्रोत्साहन और खेल अधोसंरचनाओं के निर्माण को गति देने की कार्यवाही करेगी। साहसिक खेलों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मेरी सरकार की प्राथमिकता प्रदेश में हर कीमत पर सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक सद्भाव एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना। इसके लिए पुलिस बल में वृद्धि, पुलिस बल का मनोबल बढ़ाने, आधुनिक संसाधनों में निवेश करने, पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने जाने, पुलिस आवास गृह की आवश्यकता बढ़ाना, आधुनिक संसाधनों से लेस करने सहित सभी संभव उपाय किए जाएंगे। मेरी सरकार का रोड मैप और ब्लूप्रिंट वचन पत्र ही है और उसे आगामी 5 वर्षों में पूरी शिद्दत और प्राथमिकता से अमल में लाने के लिए सरकार संकल्पित है। मैं आप सभी की आभारी हूँ कि आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना। मुझे उम्मीद है कि प्रदेश की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप पक्ष विपक्ष दोनों प्रदेश हित में अपनी जिम्मेदारी का सक्षमता से निर्वहन करें। आप सभी अपने कामकाज से प्रदेश के विकास और प्रदेशवासियों की खुशहाली और समृद्धि की इमारत की मजबूत नींव जनता के सामने रखने के लिए सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर चलना पड़ेगा। जय हिंद। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों